Assalamualaikum. Welcome to Idea Karono Ka, Pakistan ka pehla business reality show. A movement for an economically superior Pakistan. Ek aisi tehreek jisme aaj ka naujawan banega kal ka ek kamyab inspirational businessman. Aur hamare saath hain Saleem Ghauri, CEO Netsol, Naeem Zimmedar, CEO Acumen Fund, Humayun Mazhar, CEO Crest Ventures. And last but not least, Dr. Omar Saif, the expert advisor of startups on our show. तो आइए शुरू करते हैं शो आज का. हमारा आज का पहला स्टार्टअप जिन्होंने रिवर्स कॉमर्स, आपने ई कॉमर्स सुना होगा, आपने एम कॉमर्स सुना होगा, रिवर्स कॉमर्स का कॉन्सेप्ट दिया है. आइए अफोर्डेबल डॉट पी के की कहानी देखते हैं. काबिले इस्तेमाल अशिया से कमाएं पैसा और बन जाएं अफोर्डेबल डॉट पी के का हिस्सा, क्योंकि वजीहा और उनके शौहर काशान का ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल इंटरनेट सार्फीन को मुनफरिद इख्तियार देता है. इंटरनेट सार्फीन इस वेबसाइट में एक अकाउंट के जरिए रजिस्टर किए जाते हैं, जहां वो अपनी इस्तेमाल शुदा अशिया मुख्तलिफ तस्वीर और उनकी कीमत के साथ अपलोड करते हैं. After identifying problems in the current system, हमने realize किया कि हमें कुछ ऐसा solution लेके आना चाहिए जिससे हम general consumer को और social community को इतना एक privilege दें कि वो easily आए classified sites पे buying and selling करें. Online खरीदने वाले सारिफ को courier के जरिए उनका order पहुंचाया जाता है. Order की कीमत का 10% affordable.pk अपने पास रखता है, जबकि दीगर रकम बेचने वाले सारिफ के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती है. अभी हमने जिसको स्टार्ट किया वो एक कैटेगरी से स्टार्ट किया जो फैशन है, मगर हमारा प्लान ये है कि हम इसके अंदर और कैटेगरीज ऐड करें, जैसे कि इसके अंदर फर्नीचर, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर कैटेगरीज भी इसमें स्टार्ट करें. अफोर्डेबल डॉट पी के फाउंडर्स मुस्तकबिल में भी मजीद प्रोडक्ट्स और मुनफरिद आइडियाज का अज़्म लिए अपने सार्फिन को मुतवज्जा करने के ख्वाहिशमंद हैं. वजीहा और काशान प्लीज तो बुलाते हैं. जी हाँ काशान, यू इन्वेस्टर्स प्लीज गो ऑन, तो बात करें, आइए. बेसिकली हमारा आइडिया भी करोड़ों का ही है और करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए है. जहाँ पर कोई भी पाकिस्तानी हमारी वेबसाइट पे आए और वो अपना एक्सपेंसिव ब्रांड को देखे तो ही कैन बाय दैट आइटम ऑन लोअर डिस्काउंटेड प्राइस. घर में कोई कीमती चीज़ है, चाहे वो नई है या पुरानी है, तो वो उसको हमारी मार्केट प्लेस पर सेल करे और ही कैन मेक मनी. वी आर करंटली चार्जिंग 10% कमीशन. जब भी हमारा कोई सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होती हैं उसके ऊपर हम जो है ना 10% कमीशन ले रहे हैं. हमारी जो बायर और सेलर के दरमियान जो लॉजिस्टिक है या एस्को सिस्टम है सारा ऑटोमेट है. हम नहीं चाहते कि यूज़र किसी भी चीज़ पे हमारे पे डिपेंडेंट रहे. हम चाहते हैं कि यूज़र ने अगर एक क्लासिफाइड में ऑर्डर दिए ना तो बस फिर उसके मोबाइल के ऊपर जो है ना जो सेलर है उसको पैसे मिल रहे हों और जिसने बाय किया है उसको वो प्रोडक्ट मिल रही हो, इस गारंटी के साथ कि अगर इफ़ ही डोंट लाइक तो वो रिटर्न कर दे. उसको पार्सल के अंदर हार्ट अटैक ना आ रहा हो कि यार तस्वीर तो लगाई हुई थी इतनी अच्छी प्रोडक्ट की और मुझे भेजा क्या है. हाउ मच मनी आर यू सीकिंग एंड ऑन व्हाट वैल्यूएशन? करंटली वी नीड लॉट ऑफ मनी. हमारा जो डिमांड है हमारी हम 1.5 करोड़ के करीब जो है ना 18 मंथ्स के लिए वी आर लुकिंग. कितने परसेंट एक्विटी देंगे, कितने पैसे? हम 15%. आपका क्या डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, मैं आपके साइड पे क्यों आऊं? हमारी यूएसपी ये है कि ये ई कॉमर्स तो है ही नहीं, रिटेलर इसमें नहीं है, ये जनरल कंज्यूमर के लिए है क्लासिफाइड, जिसमें एक आम आदमी, एक फीमेल जिसके पास कोई इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, बस उसके पास घर में एक वार्डरोब में उसे पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो मेरे हस्बैंड भी नहीं पहनते और मैंने पहन के यूज़ करके रख ली हैं और मुझे बर्थडे पे बच्चे के कुछ चीज़ें रिपीटेड मिल गई, कोई नई चीज़ें हैं तो मैं क्यों ना इनको बेच के कुछ पैसे कमा लूँ. तो वो तो OLX के एड्स आ रहे थे टीवी में, राइट? तो उसके अंदर वो भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो उनके पास करोड़ों रुपए है एडवर्टाइजिंग के लिए. आप किस तरह कम्पीट करेंगे उनके खिलाफ? उनके पास एक तो बेसिकली वो बायर और सेलर को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे होते. और
और लोगों को मैनुअली मीट करना पड़ता है, डेमोग्राफिक लिमिट भी है उसके अंदर, हमारा सिस्टम मैनुअली नहीं करता उसके अंदर। आपको भी जब आप इसको स्केल अप करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, तो आपको भी ये मसले मसाइल आएगा। अभी तो आप छोटे हैं, थोड़ा वॉल्यूम कम है। हमने मार्केटिंग पे 60% रखा है, क्योंकि हम अपने कंपेटिटर को भी सामने देख रहे हैं कि हमारा कंपेटिटर कितना स्ट्रांग है मार्केटिंग में। अब आपका बर्न रेट क्या है इस वक्त, आप क्या बर्न करते हैं पर मंथ? अभी तो इट्स नॉट, मतलब नंबर्स भी नहीं है उसके अंदर। इन्वेस्ट करेगा तो वो नंबर पे चलेगा। आपको एक नंबर देना है, फिर बताइए कि आपके हाल में आप कब प्रॉफिटेबल, व्हेन डू यू थिंक कितने परसेंट पे आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर क्या महीने, क्योंकि यू हैव टू टेक सैलरी फॉर हर। आप किसको सैलरी भी निकाल रही है विद्या की, और आपने अपनी कॉस्ट निकाल ली। अभी तक मैं और काशान कुछ विड्रॉ नहीं कर रहे हैं इससे। हम जो भी अर्न करते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो हमारा बर्न रेट हमारी टीम के ऊपर जा रहा है और जो छोटी मोटी मार्केटिंग हम कर रहे हैं, वो हमारा 2 लाख तक हो जाता है। तो विद दिस इन्वेस्टमेंट व्हिच यू आर ट्राइंग टू रेज, वेयर विल यू बी एंड इन व्हाट टाइम फ्रेम? इसके अंदर बेसिकली हमने जो सोचा था कि हम 18 मंथ के अंदर जो है इसके ऊपर 100K लिस्टिंग्स और 100K यूजर्स के ऊपर लेके आएंगे। 1 लाख यूजर्स? हाँ, 1 लाख यूजर्स। 1 लाख यूजर्स आज कितने यूजर्स? और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आज यूजर कितने आपके? अभी हमारे पास जो नए सिस्टम में आए हैं वो 1500 हैं, और सिस्टम में 3000 थे, करीबन 4-4.5 हज़ार यूजर है। तो उससे आप लाख यूजर पे चले जाएंगे। एंड व्हाट अबाउट योर ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शन जो हमें हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर जो पर यूजर ट्रांजैक्शन थी वो नॉर्मली 2-3000 का एक ऑर्डर कर रहा था। व्हाट इज द मिनिमम ऑर्डर यू टेक, क्योंकि एक लिमिट होगी ना, तो आपने डिलीवर भी करना है। वैल्यू, what is the minimum value order jo lete hain aap? 1500 is the lowest one. Being, I think I'm not clear on the figures yet. Can he what is your total revenue and profit after you get this investment? Aap phir sawal pooch rahe hain, yani ki inko lagta hai thoda sa taakatwar karne ki zarurat hai. How about I bring a co-founder for you? Umar, I think you want to get off your seat. Mera khayal hai bolna chahta hai. Not a co-founder, but I want to pitch on your behalf. Okay. duniya sari mein कॉमर्स जो है वो अब खरीदो फरोख दुकानों से उठकर ऑनलाइन हो गया, ई कॉमर्स पे चला गया। पिछले 2 हफ्ते में अलीबाबा का फाउंडर जैक मा और अमेज़न के सीईओ ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया की ई कॉमर्स कंट्रीज में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। दिस इज द मार्केट विद द हाईएस्ट पोटेंशियल। एंड जैक मा, both Alibaba and Amazon CEO said this in the last 2 weeks. India mein jo sabse badi e-commerce ki application hai, platform hai Flipkart, is worth $5.5 billion. They just released just a few weeks ago. Pakistan mein sara karobar online hone wala hai. Abhi Pakistan mein eBay nahi hai, Amazon nahi hai, Flipkart nahi hai. OLX jaisi companies aur is tarah ke jo platforms hain wo ek basic problem solve nahi karte. वो कैश ऑन डिलीवरी मॉडल पे हैं, वो दो लोगों का आपस में मिलवा देते हैं, आपको जाके मिलना पड़ता है, कैश एक्सचेंज करते हैं और ट्रांजैक्शन होती है, जो स्केलेबल नहीं है। इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके थ्रू एस्क्रो अकाउंट इसमें बिल्ट इन कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर की कोई चीज़ बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, और उसके पैसे एक एस्क्रो अकाउंट में चले जाते हैं। और एक लॉजिस्टिक्स कंपनी TCS या कोई कंपनी आपके घर वो चीज़ पहुंचाती है, आपको पसंद आती है तो एस्क्रो अकाउंट से पैसे रिलीज हो जाते हैं, पसंद नहीं आती तो चीज़ रिटर्न कर दी जाती है। इसमें दो लोगों को मिलने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को वेयर हाउस में रखने की ज़रूरत नहीं, और कैश को एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो दे सॉल्व ए बेसिक प्रॉब्लम इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ क्रेडिट कार्ड नहीं है, दो लोगों का मिलना मुमकिन नहीं हर चीज़ के लिए, वेयर हाउसेज में चीज़ रखना मुमकिन नहीं, एटसेट्रा। ये आपको 1.5 करोड़ रुपये पे 15% देने को तैयार है। इसका मतलब है 10 करोड़ की वैल्यूएशन है इनकी कंपनी की। अगर ये 20 गुना अपनी सेल्स बढ़ा लें, जो ये फरमा रहे हैं कि आज इनके पास 3000-4000 ट्रांजेक्शन पर मंथ हैं, ये 1 लाख ट्रांजेक्शन पर चले जाएंगे, तो आई थिंक दिस कंपनी कुड बी एक्चुअली वैल्यूड इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। पाकिस्तान में ई कॉमर्स की मार्केट डेवलप होने जा रही है, जो भी इसको पहले करेगा, पहले पहुंचेगा, वो कई बिलियन डॉलर का कारोबार होगा। अगर वजिया विद एन 8 मंथ प्रेग्नेंट वुमेन हेयर कैन कम हेयर विद अ छड़ी, देन आई बिलीव इन दिस टीम एंड आई थिंक दिस टीम इज सर्टनली वर्थ योर इन्वेस्टमेंट। आई विश यू वेल एंड आई होप दैट यू विल कम टू एन एग्रीमेंट विद अ
practical demand also. Thank you for doing this. Okay. And a practical investment. Thank you, sir. Thank you so much. काशान अच्छे बच्चे लगते हैं मुझे. एक बात जो भैया ने की एक घर में जो कपड़े वाटर पड़े हैं हस्बैंड के वो बेगम भेज दे, बड़ी लड़ाई होगी घर में अगर बीवी ने भेज दिया. ये देखिएगा अच्छा हस्बैंड की प्रॉब्लम पता क्या है, हमेशा वो चीज़ मांगते हैं जो बीवी गुमा चुकी होती है. ऑल द हस्बैंड बट ऑन द लाइटर नोट बट आई एम इंटरेस्टेड एंड बट आई हियर फ्रॉम माय कलीग्स बिफोर यू नो वी गो. ग्रेट, सो यू आर इंटरेस्टेड, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा. You pass? No. Okay. I think the ask is too much. Like Umar said. What's that figure that you would say that this is a reasonable amount and that can play well for them? Between maybe 400k. Yeah. Okay. And because I think the space is right, the team is right. They just need to figure out where they're going to. And maybe that's where the strategic partner investor comes in. Yeah. सिर्फ पैसे तो नहीं आ रहे ना, direction भी साथ आती है. तो two people here are interested. What's the figure? I want to understand. आपके ज़हन में क्या number आता है मेरे ज़हन में? 1.5 crore ज़्यादा है. 1 crore पे इनका काम अगर prop जैसा ये bootstrapping कर रहे हैं. उसी को maintain करें, 1 crore पे raise करें और इनको at least 35% दे ताकि investor interest ले, क्योंकि फिर उनका partner बन जाएगा. आप तो इसे club करना चाहते हैं? In some form. How about that? No, why not? So how about a joint? आप कह रहे हैं 1 crore. एक crore. At 35. Joint 1 crore, दो लोग दो minds आपके साथ package होके आ रहे हैं इस product में, ये इस investment में. सोच लें 1 crore 35%. What is it that you want? ये बड़ी critical moment होती है. अगर तुम्हें मिल रहा हो 1 crore रुपया, what is the equity that you want to give at max? I want to understand. 25. Okay, हम next rounds को भी call कर सकें और अगर और investors को भी opportunity दें ताकि हमसे फिर मिलके और ज़्यादा. Can I help you? I'm going to vouch for them once again. 5% कोई इतना बड़ा नहीं, लेकिन नहीं होता. Investors को फर्क पड़ेगा कि फिर वो contribution ज़्यादा करेंगे आपके पास. By having more equity of a company, then जो investors होते हैं वो time भी आपको दे सकते हैं और आप कोशिश कर सकते हैं ideas में how to make it grow. तो इसमें आपको फायदा है, नुकसान नहीं है. So Salim, for that one last time, 1 crore rupees, 30% is what might be something that settles very very well with them. If we can do it, this could be celebrations. Let's do it. For Bhajia and for especially coming in this condition, yes. Yes. Wow, very good. Wow. Please, can you please come here? Yes, please. I'll be back right after a short break. Thank you very much. Keep watching. लो जी, तुम्हारा मौका है. तुम अगर convince करो इनको कि तुम इन सब को मुझे भी
उससे बेहतर लुक दे सकते हैं जो हमारी इस वक्त है। नबील को जरूरत नहीं है, 100% हो सकती है। नहीं नहीं सर, इनको भी है।